बात करेंगे बिहार की, जहां शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जिस तरीके का बयान शिक्षा मंत्री ने दिया उससे उनकी मानसिकता झलकती है और मुख्यमंत्री का खामोश होने का मतलब है कि उनकी सहमति है। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन से बातचीत की संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने आपको सुनवाते हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी। शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से रामचरितमानस पर बयान पूर्ण है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, पूरा देश आहत है। किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान करने का अधिकार राष्ट्रीय जनता दल को यह सर्टिफिकेट नहीं मिला है। वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए आजकल विषय बदल रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो बहुत दुखद है। एक आखिरी सवाल, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, आरजेडी और जेडीयू में बयान तो हो रहा है लेकिन कार्रवाई कहाँ हो रही है? उपेंद्र कुशवाहा जी को तो कार्रवाई करवाना चाहिए उनपे। मुख्यमंत्री खामोश। अब खामोशी तो सहमति मानी जाती है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे शाहनवाज हुसैन जी को, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है उससे लगता है कि उनके बयान से मुख्यमंत्री इत्तफाक रखते हैं। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, चंतन सीवी, दिल्ली।